तो हाय गाइस, अजय देवगन की बात करने वाले हैं। टोटल गाइस यहाँ पे 13-14 महीने का लाइनअप देखने वाले हैं, उनकी टोटल कितनी मूवीज़ है एंड साथ में इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करती हुई हमें नज़र आ सकती है आने वाले टाइम में। अपना ओपिनियन आप सभी को बताऊंगा एंड साथ में आप सभी ने मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है इसमें कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा धमाका करने वाली, क्या इनमें से 1000 करोड़ प्लस क्वेश्चन कर सकती है या फिर नहीं, ये सब भी बताना। उससे पहले छोटे छोटे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो से कर लो सब्सक्राइब। देखो गाइस, मुझे यस्ट की बात करूं तो अजय देवगन ही एक मुझे मात्र यहां पे एक्टर दिखती हैं कि उनका 4-5 मूवीज हमें एक साथ दिख रही हैं। नज़र आप अक्षय कुमार को देखो, टाइगर को देखो एंड SRK को, उसके बाद सलमान को देखो, अमीर को होको, ऐसे आपको 4-5 मूवीज़ उनको आने वाले टाइम में आप सभी को नहीं दिखेंगी बट यहाँ पे दिख रही हैं गाइस। क्या पता कुछ अलग हो जाए, क्या पता इनमें से कुछ ऐसी मूवीज़ निकल जाए जो दृश्यम 2 जैसा बॉक्स ऑफिस में धमाका कर सकती है। तो गाइस सबसे पहले मैदान है 23 जून हमें ये सिनेमाघरों में दिखेगी। देखो यस्ट के टाइम 23 जून को ही ये आ रही है, इसकी आगे पीछे कोई भी डेट यस्ट नहीं है। ये स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, बोनी कपूर जी स्टूडियोस एंड अमित शर्मा की डायरेक्शन से बनी हुई है मूवी। क्या लगता है गाइस कितने करोड़ का क्वेश्चन करी? देखो यस्ट मैं इसको 300 करोड़ प्लस पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में बोल सकता था अगर ये उसी टाइम मूवी सिनेमाघरों में आती जब इसके रिलीज डेट जैसे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 स्टार्टिंग से भी आ जाती, बट अभी का उतना हाइप नहीं बचा है अभी जितना उस टाइम था। देखो 3 महीने की मंदे की सोच होती है जिस तरह मूवीज बनाता है, उसके बाद 3 साल के बाद अगर वो मूवी आई तो उस तरह वो नहीं चलता है। देखो यहाँ टाइम की बात होती है, आज या कल टाइम चेंज हो जाता है। तो यस्ट मुझे इतना नहीं लगता है कि ये मतलब कुछ रिकॉर्ड्स है वो ब्रेक कर सकती है। हाँ इतना लग सकता है कि ये बोला से बेटर परफॉर्म कर सकती है। नंबर 2 पे है ओरो में कहाँ दम था, ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है नीरज पांडे के साथ जिसमें हमें अजय देवगन और उनके साथी जोड़ो यानी तब्बू, यानी इन दोनों की जोड़ी आप सभी को पता है जब भी आती है तो समझ लो ब्लॉकबस्टर होती है। बट बोला के आने के बाद गाइस थोड़ा सा ये ग्राफ नीचे आया है, फिलहाल के लिए वो एक एवरेज रही थी, फिर भी गाइस थोड़ा थोड़ा होता है एवरेज, सेमी हिट तो टैग उसको मिला था। बट देखो उनकी जोड़ी, चलो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा भी क्लियर नहीं है कि ये मूवी फ्लॉप हो सकती है, ऐसा भी नहीं ये मूवी डिसास्टर हो सकती है, बट फिर भी इतना नहीं है कि ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। देखो इन मूवीज़ का मैं आरो में कहाँ दम था तो बजट तो इतना ज़्यादा रहने वाला नहीं है जो मुझे यस्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद इससे भी मुझे नहीं लग रहा है यस्ट के टाइम। फिर पता क्या बात है कि आने वाले टाइम में ये जब जिसके रिलीज डेटा क्लोज आएगी तो ये धमाका कर लेगी। फिलहाल के लिए इसकी रिलीज डेट है वो भी कन्फर्म अभी के टाइम नहीं है गाइज। फिलहाल के लिए सोर्सेस अपडेट की माने तो इस मूवी की शूटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल के लिए अजय देवगन हो गए, नीरज पांडे हो गए, उन्होंने कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया कि इसकी शूटिंग रैप अप हुई है या फिर नहीं हुई है। तो नंबर 3 पर है यश वश गुजराती मूवी की, ये रीमेक करने वाले हैं इसी मूवी का जो मैंने आप सभी को नाम बताया। देखो यस्ट इसमें विकास बलल इस मूवी की डायरेक्शन करने वाले हैं और इस मूवी के प्रोड्यूसर अभिषेक पाठक हो गए, कुमार मंगत एंड खुद अजय देवगन इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं और ये मतलब पैनोरमा स्टूडियोज़ की ये मूवी है, यानी कि ये दृश्यम 2 के मेकर्स एंड ये सेम रहने वाले। उम्मीद कर सकते हैं ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो सकती है। अगर मैं मैदान हो गए गाइस, ओरो में कहाँ दम था, ये मूवी हो गई, एज अ कंपेयर इन दोनों मूवी से मुझे इस मूवी से थोड़ा ज़्यादा उम्मीद लग रही है। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुई है और इसमें से 2 का नाम आ भी चुका है, जैसे कि अभी फीमेल लीड रोल के मैंने अभी जस्ट वीडियो डाली है थोड़ी देर पहले, इसमें से यहाँ पे योतिका की एंट्री हो चुकी है, साउथ एक्टर है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मूवी धमाका कर सकती है, बाकी टाइम समय बताएगा। फिलहाल के लिए इसके रिलीज डेट है वो भी कन्फर्म नहीं है भाई, ये मूवी जून को फ्लो में जाएगी। तो गाइस नंबर 4 पे है अभिषेक कपूर की मूवी। देखो गाइस जस्ट इस मूवी की अभी सुनने में आ रहा है कि शूटिंग है वो चल रही है और ये एक फंटेस्टी एक्शन मूवी रहने वाली है गाइस। देखो एक्शन में अजय देवगन मुझे यस्ट के टाइम बाप दिखते हैं गाइस, सीरियसली गाइस बाप दिखते हैं, और इनकी एक्शन मूवी ना चले तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो अब वो आप सब बोलोगे तो बोला में भी एक्शन था, फिर क्या हो गया, फिर तो वो ब्लॉकबस्टर नहीं हुई। देखो बोला की नेगेटिविटी, चलो एक वो भी एक रीमेक ही थी, बट अब मैं क्या बोलूँ, मैंने फिलहाल के लिए सारे वीडियोस आप सभी को बता चुका हूँ उसके रिलेटेड। फिलहाल अभिषेक कपूर मैंने बताया फैंटास्टिक एक्शन मूवी, देखो इसकी रिलीज डेट है वो भी कंफर्म फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी मुझे
ये मैंने बताया आपको कि ये वश जो रीमेक है उसके एंड इस मूवी की टक्कर है, मुझे सेम मिलती जुलती आ रही, यानी कि 250-300 करोड़ के आसपास ये दोनों मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में धमाका कर सकती हैं, बट डोमेस्टिक नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं। गाइस नंबर 5 पे आती है गाइस सिंघम। देखो सिंघम रोहित शेट्टी की मूवी, और देखो इससे तो ये देखो ये मूवी सिंघम और इन चार मूवीज़ को एक साथ कर लो और सिंघम को एक साथ कर लो गाइस, समझ लो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, 50-50। सिंघम मुझे सबसे ज़्यादा क्रॉशन करके देगी, सिंघम मुझे लगता है कि अब तक की गाइस अजय की जितनी मूवीज़ हैं उनको भी क्रॉस करेगी सिंघम। गाइस मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ के आसपास, उसे थोड़ा कम उससे थोड़ा ज़्यादा क्रॉशन भी कर सकती है गाइस। फिलहाल के लिए मुझे पता है मैं काफ़ी जल्दी बोल रहा हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 1000 करोड़ मुझे पता है कि कितना बड़ा होता है और वहाँ तक पहुँचना हर एक्टर्स के लिए यहाँ पे बोलूँ मैं तो पॉसिबल नहीं होता है। देखते हैं बाकी क्या हो पाता है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बोल सकता हूँ इन चारों मूवीज़ का क्रॉशन गाइस एंड सिंघम का क्रॉशन गाइस धमाका रहने वाला। फिलहाल के लिए गाइज आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सिंघम आगे, सिंघम को छोड़ के गाइज मैदान हो गया, औरों में कहा दम वश हो गया, अभिषेक कपूर की ये मूवी, इन चारों मूवीज में कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा क्रॉशन करेगी। देखो यस्ट मुझे लग रहा है कि देखो मैदान भी चल सकती है, चल सकती का मतलब होता है कि चल सकती है, चलेगी मूवी वो होती है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, मैं उसको अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ कि चल सकती है मतलब चली गई मूवी है, ब्लॉकबस्टर हो गई। अगर एवरेज हुई या फिर एक मतलब थोड़ा हिट भी हुई तो उससे बोलोगे थोड़ा 50-50 हुई है, चली हुई है फिर नहीं भी चली है, क्योंकि एवरेज होती है हिट होती है तो अजय देवगन का नाम हो और सिर्फ एवरेज हिट लिखा हो तो थोड़ा कम मतलब थोड़ा काफ़ी ग्राफ नीचे जैसा लगता है कि अजय देवगन के लिए ये वाले दो टैग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। फिलहाल के लिए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही अच्छा लगता है। औरों में कहाँ दम था मैंने बता दिया आप सभी को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी वर्ष हो गया अभिषेक कपूर। फिलहाल के लिए 14-15 महीनों का ये लाइनअप मैंने आप सभी को बता दिया, ये पाँचों मूवीज हमें 13-14-15 महीनों के अंदर अंदर सिनेमाघरों में आती हुई नज़र आ सकती हैं। बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। बाकी गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।